कि चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट है कैसा, और ये जो मशीन गन फेल हुई इसके बाद क्या चाइनीज अपने इक्विपमेंट को अब भी बेस्ट बोल पाएंगे? देखिए रोहित भाई, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में रिलायबल क्या है? ना इकोनॉमी रिलायबल है, ना बंदूक रिलायबल है, ना दवाई रिलायबल है, ना वैक्सीन रिलायबल है, ना पॉलिटिकल सिस्टम रिलायबल है, ना रेलवे रिलायबल है, ना जहाज रिलायबल है, ना खाना रिलायबल है, ना विस्की रिलायबल है। अभी आपको याद होगा, तहरीके तालिबान के अगेंस्ट उन्होंने चाइना के ड्रोन लिए थे, उनका एक लीडर मिला तो पहले एक मिसाइल डाला, फिर दूसरा मिसाइल डाला, दोनों ही नहीं फटे। अब जो ये थंडर है, थंडर में रोहित भाई क्या लगा? थंडर में लगा है चाइनीज मिसाइल, और उसमें कोई इंटरनेशनल मिसाइल नहीं लग सकता, इसीलिए वो थंडर भी बेकार हो गया, थंडर में थंडर ही निकल गई। मैं कहता चाइना में दो वीकनेस है, देयर आर टू वीकनेसेस इन चाइना। वन इज देयर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, वो दुनिया से आइसोलेट होके नहीं रह सकता, उसकी इकोनॉमी वैसे ही खस्ता हाल है, एक और झटका लग गया तो खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको तभी बोला था, मार्क माय वर्ड्स सर, आई टोल्ड यू दैट टाइम द चिंक्स इन द आर्मर इज चाइनीज इक्विप आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। चाइना इनको समय समय पर जो है इनके धोखा भी देता रहा, बल्कि एकदम धोखा इनकी धज्जियां भी उड़ाता रहा है। हमने देखा है कोविड के टाइम पे वैक्सीन पहली बार तो भेजी भी नहीं थी, इन्हों से इनसे कहा था कि लोग पैसे भी पहले लाओ, वैक्सीन यहाँ पड़ी, अपना आदमी भेजो यहाँ से उठा के ले जाए, तो फिर इनका जहाज़ क्या उठा के ले गया। और वैक्सीन भी वो ऐसी थी कि लगवाने के 2 दिन के बाद ही जो अच्छा खासा हंसता खेलता इमरान खान था उसको कोविड हो गया था। इसी तरीके से हमने देखा बीच में ऐसे मास्क भेजे कि बाद में पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रहा था चालाक चीन ने चूना लगा दिया, जो चाइनीज़ अंडरवेयर के यूज अंडरवेयर के बने हुए मास्क थे वो पाकिस्तान में भेज दिए थे। अब उसके अलावा भी और क्या क्या नहीं किया है चाइना ने, जो है ऐसा लगता है मिसाइल के नाम पर इनको खाली फूंक के दे जाते हैं, बंदूक के नाम पर जो एकदम रिजेक्टेड माल होता है जिसका दूर फेंक दिया कि ये तो भाई चाइनीज़ सोल्जर तो ये उठाएगा ही नहीं, वो एकदम कूड़े में पड़ा है, वो भी पाकिस्तान को बेच करके चाइना कमा लेता है। चाइना को भी यहाँ पर मानना पड़ेगा कि इस इतने स्तर का बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेस हमने नहीं देखा था, कचड़े माल को भी बेच दे रहा है, उसके बाद भी जो उसका कस्टमर है कुछ उसको बोल भी नहीं पा रहा, कंप्लेन भी नहीं कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या डूज एंड डू नॉट्स है उनको नहीं पता लगते, तो ये कुछ कुछ बना के छोड़ देते। अब उन्होंने एक बार कहा था जी हमारे पास एक प्लेन है जो F-35 से ज़्यादा उड़ेगा। मैंने उस पर काफ़ी अध्ययन किया, मैंने कहा ऐसा कैसा बना लिया ना जो F-35 से भी बड़ा उड़ेगा। इन्होंने F-35 के दो प्रोटोटाइप लेके उन पर उनका रंग वंग बदल दिया, कोई चाइनीज नाम लगा दिया, अब नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें 2 मेटल पायलॉन अडेप्टर्स लगा दिए। पायलॉन अडेप्टर क्या होता है, मतलब मैं सिंधी में समझाऊँ, एक लोहे के 2 डब्बे लगा दिए साइड में, बोला इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये जहाज की बात करें, ठीक है जी, गन आपने भी बात करी ली, तोप की हमने बात करी ली, अब इनके इनका जो समुद्री जहाज है उसका तो कुछ पता ही नहीं, वो क्या बनाते क्या नहीं बनाते, मतलब जहां जहां इन्होंने एक्सपोर्ट किया वहां वहां वो कंट्री में माल फेल, और आपकी बार कहाँ फेल, आपकी बार पाकिस्तान में फेल। भाई पाकिस्तान तो गुलाम मुल्क है ना रोहित भाई, गुलाम मुल्क की तो औकात ही नहीं कुछ बोलने की। अगर गुलाम मुल्क भी बेचारा तंग होके परेशान होके कह रहा भाई ये फेल हो गया, एक फैक्ट्री 44 थी वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजन कर रही थी, और ऐसा मतलब एक मौका लगा कि एक बार मैं भी वहां हो आया। अच्छा उन्हें ये नहीं पता मैं इंडियन हूँ क्या हूँ, किसी ने, मेरा एक दोस्त था उसने बोला ये सिंगापुर से आया है, तो मुझे मैंने देख लिया वहां बाकायदा दो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट के हायर्ड इंजीनियर जिनका काम ही था इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना, इनको हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूल टैंक्स में। और इसलिए ये अमेरिकन ही F-35 है, इसका पेंट पूंट हमने कर दिया, शेप बदल दी, अमेरिकन F-35 से ज्यादा चले, इसमें हमने बाहर तेल की टंकी लगा दी। आपने देखो कई सारी जीपों के बाहर वो एक तेल का केन लगा देते लोग शो शो के लिए, वैसे उन्होंने 2 डब्बे लगा दिए मेटलिन पायलॉन एडाप्टर्स, और बोला ये F-35 से ज्यादा चलेगा। जिस कंट्री में इस हद का झूठ बोला जाए जनता को और दुनिया को, वहां आप क्या भरोसा करेंगे? जब अमेरिकन रिटेलिएशन आएगा यू विल बी वाइट ऑफ वाइप्ड आउट ऑफ फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। इनको पता है इनका जो DF-17 है क्या रिलायबिलिटी है उसकी, किसने देखा DF-17? किसी को नहीं, किसी ने नहीं देखा सर। चाइना ने 43-45 साल पहले वियतनाम से लड़ाई लगी दी थी, वहां भी पछाड़ दिया इनको, वियतनामियों ने इनको पछाड़ दिया। 45 साल से जिस फौज ने लड़ाई ने लड़ी हो, जो जुगाड़ कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी या फर्जीवाड़े पे चल रही हो, आपको लगता है उसकी औकात है अमेरिका से लड़ने की? क्योंकि ये सारा नकल करा हुआ माल है। अब चाइना में क्या होता है मैं आपको बताऊं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैक्ट्री 22, फैक्ट्री 44, फैक्ट्री 68। ये क्या फैक्ट्री 68 का मतलब क्या है, 44 का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
ये चाइनीज गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करती है रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए प्रावधान। चाइनीज गवर्नमेंट लोगों को हायर करती है, उन्हें जगह देती है, उन्हें इक्विपमेंट देती है, कहते हैं कहाँ बाहर की टेक्नोलॉजी लाओ, इसकी कॉपी बनाओ, इसको रिवर्स इंजीनियर करो। मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर होता है ना हमारा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के विंग्स आर सो फाइनली बैलेंस्ड, अगर आप उस पर एक 10 ग्राम का मैग्नेट रखेंगे ना, 10 ग्राम का मैग्नेट एक विंग पे, इट कैन ब्रिंग डाउन अ हेलीकॉप्टर, दे आर सो सेंसिटिव। इसमें बैलेंस और सेंसिटिविटी इतनी होती है, 110 ग्राम या 100 ग्राम का मैग्नेट कैन ब्रिंग डाउन अ हेलीकॉप्टर रोटर। और अब आप सोचिए ये जहाज बनाएंगे, अब आगे चलिए कीनिया को उन्होंने जहाज दिया, वो फेल हुए। अगर आप देखिए चाइना में एक नकली ब्लैक लेबल भी मिलती है, मैंने मैंने खुद देखी थी, एक ब्लैक लेबल आपको मिलेगी पर वो नकली होगी। तो चाइना में असली तो कुछ होता ही नहीं, नकली की पूरी दुकान है चाइना। चाइना की इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा फसाड है, और हम क्या बोले, चाइनीज इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फसाड, और मैं आगे उसके क्या बोलूं। अगर आप याद हो रोहित भाई, लास्ट टाइम हमने बात की थी आपके शो पे शायद, ठीक है, जिस जिसको उन्होंने माल दिया फेल हुए, पाकिस्तान की टैंकों की आपने बात की वो फेल हुई, क्यों आप जेएफ वो थंडर के JF-14-17 जो भी है, वो थंडर जो है जिसको थंडर वंडर ये कहते हैं, वो भी तो फेल है, 50% फ्लीट ग्राउंडेड है, फ्यूजलाज में क्रैक्स है, विंग्स जहां विंग रखती है वहां क्रैक है, रडार का एंकरेज गिर जाता है, इजेक्शन उसमें होता नहीं। कहने की बात ये है कि यहाँ असली क्या है, यहाँ असली क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, मैं चाइना पर्सनली स्पीकिंग आई बीन मोर देन 30 टाइम्स टू चाइना, हांगकांग 50 एक बार जा चुका होगा मैंने एक बार, और सारे प्रोविंस देख चुके मैंने, गोंगजू, शांगडोंग, जितनी भी है, नानजिंग, सब देख चुका। तो मुझे मैंने एक बार चाइना से कहा, मैंने कहा भाई तुम ये व्हाट डू यू ईट, उसने बोला मुझे चाइनीज था, कहता वी ईट एवरीथिंग दैट फ्लाइज एक्सेप्ट एरोप्लेन। तो ऐसी चीजों में रोहित भाई इनका कोई रिलायबल सिस्टम विस्टम है नहीं, ये अमेरिका से लड़ते क्यों नहीं, चाइना चाइनीज आर्मी अल्टीमेटली किसी देश से लड़ती क्यों नहीं, दिक्कत क्या है। देखिए हम कमजोर थे पर भी हमने 4 बार पाकिस्तान को पछाड़ दिया ना, लड़ाई में पछाड़ दिया ना। आज लोग कहते हैं जी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो जितनी PLA, जो मैं आई पर्सनली डोंट एग्री टू इट। यहाँ दुनिया की ऐसी तैसी हो जाती है टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में, उसके पेटेंट बनाने में, पेटेंट फाइल करने में, ये क्या करते हैं सारे दुनिया में, अगर 10 पीस है, 10 ब्रांड है, उनको लाएंगे, उनको खोल खोल के देखेंगे कि इनकी उनका हम फर्जी कॉपी या जो फर्जी वाड़ा जिसे कहते हैं वो कैसे कर पाए। अब एक प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन तो गया, पर देखिए रोहित भाई एक चीज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की हम बात करें होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत रोबस्ट होती है। सुनिएगा, वी ईट एवरीथिंग दैट फ्लाइज एक्सेप्ट एरोप्लेन, वी ईट एवरीथिंग दैट स्विंग्स दैट स्विम्स एक्सेप्ट ड्रैगन, एंड वी ईट एवरीथिंग दैट वॉक्स एक्सेप्ट मैन। मैंने कहा आर यू श्योर, इसे मे बी, मैंने कहा आर यू श्योर, वो कहता है मे बी। आप इस सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हैं, कोविड के टाइम में आपने वीडियो देखे ऐसे चिपक वो गिलहरी को फाड़ा और ऐसे खा गए। चाइना बहुत वीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑल रिलेटिव। ये जो एक परसेप्शन की दीवार बनाई जाती है, एक ब्लैंकेट परसेप्शन डाला जाता है, ये स्ट्रांग है, वीक है, ये सारा गलत है। एक आर्टिकल भी आया था अभी US के एक बड़े पब्लिकेशन में, चाइना सेल्स स्नेक ऑयल टू इट्स फ्रेंड्स, कि चाइना कबाड़ अपने दोस्तों को बेचता है, जो पाकिस्तान से $2-4 बिलियन ये लेता है, इनको टैंके वैंके बेच के वो चलती थोड़ी ना। तो खुद समझिए चीज क्या है। अब हमारे यहाँ अब चाइनीज का चाइनीज बंदर ले ले दुकान से किराने की, क्या बोलेगा भाई साहब, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, दुकान से उतरते कोई गारंटी नहीं है, दुकान से उतरते कोई गारंटी नहीं है। अब आप बताइए जब इनको रोज अमेरिका प्रोवोक करता है, ये लड़ते क्यों नहीं। देखो गत्ते का जहाज उड़ाना एक अलग बात है, पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागना एक अलग बात है। अमेरिका इज रेटेड 17 टाइम्स मोर पावरफुल देन चाइना, और ये जो हमारे कुछ बैठे ना डूम्स डे एंबेसडर, जो हमें बता चाइना बहुत ताकतवर है जी, चाइना इज नॉट वीक, चाइना माइट नॉट बी वीक, बट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज रिलेटिव, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज रिलेटिव। अगर मैं बोलूं चाइना स्ट्रांग है, हाँ बांग्लादेश से स्ट्रांग है, चाइना स्ट्रांग है इंडिया के सामने स्ट्रांग नहीं है, फर्क है। चाइना बहुत स्ट्रांग है श्रीलंका के सामने, चाइना इंडिया के सामने स्ट्रांग नहीं है। जो चीज 70 साल में पाकिस्तान के नेताओं ने और पाकिस्तान की फौज ने अपने देशवासियों के साथ में करी है, वही चीज चाइना अब पाकिस्तानी फौज के साथ में कर रहा है। हम देखते हैं एक के बाद एक, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा ड्रोन हो, एक ऐसी गंगन हो, एक ऐसा कोई जेट हो, एक कुछ भी ऐसा कोई बता दे जो पाकिस्तानी आर्मी को हथियार बेचा हो चाइना ने, जो बड़ा ज़बरदस्त है, गेम चेंजर है। जैसे हम देखते हैं तुर्की के ड्रोन्स हैं, तुर्की के ड्रोन्स का पूरी दुनिया में जो है जलवा है, क्योंकि अभी आप देखो यूक्रेन की वॉर जो है वो इतनी लंबी खिंची ही इस वजह से, क्योंकि यूक्रेन के पास में तुर्की के बनाए हुए ड्रोन्स थे।
इधर हमने अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी देखा, अजरबैजान को एक उससे एज मिला रहा बहुत जो है वो अपने बार बार अपने समय के साथ में जब जब उनको यूज़ किया गया उन्होंने अपनी काबिलियत दर्शाई। अब जो है सामने वाले TDP हो BLA हो, एक कारण शायद ये भी है जो इधर कुछ इतने ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं कि हो सकता है ये लोग भी अपने गोली चलाते हैं अपनी आत्मरक्षा में, सामने से जब आतंकवादी वगैरह आते हैं गोली चलाते हैं उसमें से गोली ही ना चल पाती है, या फिर हो सकता है वो हाथ में फट जाती हो, इसी टाइप की कुछ चीज़ें हो जाती होंगी। उनसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कॉन्फिडेंस। अगर आप देखो पाकिस्तान के फौजी को, एक आम फौजी को जिसको पता है कि मेरी फौज पहली बात तो करप्ट है, अच्छा खासा पैसा खाती है, इनके विदेशों में इतनी प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद जो हथियार आ रहे हैं हथियार चाइना से आ रहे हैं, वो हथियार भी किसी काम के नहीं है, वो भी कभी चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, वैसा ही कुछ है। तो उसके बाद वो अगर ले करके सामने जाएगा, सामने उसे कोई TTP का हो या कोई दुश्मन देश का फौजी हो या कोई भी हो, उसके सामने ले के जाएगा, उसका खुद को डर लगा रहेगा, उसका खुद का कॉन्फिडेंस ही ज़मीन पे होगा कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा। उसको पता होगा कि अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई इसका भरोसा तो है नहीं। और फौज भी ऐसी है, ऊपर बैठे हुए जनरल लोग भी ऐसे हैं, चाइना को मना भी नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे तुमसे हथियार, ऐसा भी नहीं बोल सकते। उसके बाद उनको पता है कि धज्जियाँ इस तरह से उड़ा दी जाएंगी कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और कर्जा भरते भरते अगर अभी भी चाइना जो है इनके ऊपर दबाव डाल दे कि हमारा पैसा वापस करो, उनकी पुश्तें बिक जाएंगी, पर ये उनका जो कर्जा है वो वापस नहीं कर पाएंगे, तो फिर बेचारों को मजबूरी में। और ये अच्छा है, भारत के साथ भी कभी छोटा मोटा युद्ध झड़प बड़प हो जाए तो यही लेकर के आए, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा।